श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे तीन दिवसीय भारत दौरे पर राष्ट्रपति भवन में गोतबाया का हुआ स्वागत। भारत श्रीलंका के बीच मजबूत रिश्ते को लेकर पीएम मोदी से की चर्चा। जयपुर की सड़कों पर उत्तरी प्रदेश कांग्रेस। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी रहे मौजूद। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का कार्य का हुआ शुभारंभ। सीएम अशोक गहलोत ने बटन दबाकर किया शुभारंभ। स्पीकर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया भी रहे मौजूद। बीकानेर में कोहरे के कारण दर्दनाक सड़क हादसा। NH-62 पर ट्रक और पिकअप में हुई भिड़ंत। हादसे में 5 की मौत, 9 लोग घायल। और बाड़मेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक को 13,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। परवादी से रजिस्ट्री इंद्राज करने के एवज में ली रिश्वत। नमस्कार, मैं हूं राखी सिंगल और आप देख रहे हैं महारा राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध राजधानी जयपुर में पैदल मार्च निकाला गया है। कांग्रेस का ये पैदल मार्च कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से सिविल लाइन्स फाटक तक पहुंचा और यहाँ कांग्रेस की सभा में तब्दील हो गया। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और गांधी परिवार की SPG सुरक्षा हटाने के खिलाफ इस पैदल मार्च में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी विवेक बंसल समेत कई मंत्री और विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ इस पैदल मार्च के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। सिविल लाइन्स फाटक पर कांग्रेस की सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि आज का प्रदर्शन देख मुझे बचपन याद आ गया है। इंदिरा गांधी जैसी पीएम चुनाव हार सकती हैं, इसलिए मौजूदा सरकार को घमंड नहीं करना चाहिए। इस वक्त कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी। मैं खुद भी विधानसभा चुनाव हार गया था। वहीं गहलोत के बाद पायलट ने भी सभा को संबोधित किया और मोदी सरकार पर हमला बोला। चुनाव खुद हार गई पार्लियामेंट का। कांग्रेस का अभी जो स्थिति बनी है, सब सीटें साफ हो गई। पूरे नागौर में एक नागसुरा मिर्जा जीते थे उत्तर भारत के अंदर, मध्य प्रदेश में एक सीट जीती थी छिंदवाड़ा के जानी कमलनाथ जी जीतते हैं, गागी संगर में से जीते थे, वहां 2 सीटें जीती थी। उस माहौल में मुझे सौभाग्य मिला, मैंने इसलिए अध्यक्ष था, मैं भी चुनाव हार गया। समझ गए आप, जब प्रताप सिंह खचरवाल बैठे हुए उस पत्ते में था जोधपुर का जिला अध्यक्ष कांग्रेस का, और जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने ऐसी मीटिंग की और आह्वान किया कि जो दिल्ली में इंदिरा गांधी बुला रही है भारत बचाओ दिवस के रूप में रैली करने के लिए, उस रैली में आपको चलना है। वो मैं अभी बैठे बैठे याद कर रहा था उस दिन को जब मैंने आह्वान किया था और बसें भर भर करके दिल्ली रवाना हो गए थे हम लोग। लाल किले के पीछे खुले के अंदर मैदान के अंदर हम लोगों ने स्नान किए, टेम्परेरी नल लगा दिए गए थे। तरुण कुमार अभी है तो इसके पुराने उस जमाने के टाइटलर और सचिन कुमार होंगे। को लेकर आज आप सब लोग यहाँ इस लॉन्ग मार्च में आपने भाग लिया है। जो निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के थे कि देश भर में जनता के अंदर जागरूकता फैलानी है, एक अलग जगानी है, और भारत वर्ष में जो वातावरण बना है उसके खिलाफ हम सबको एकजुटता के साथ अपनी ताकत को दुनिया के सामने दिखाना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब कार्यकर्ताओं को कि आप यहाँ पर मौजूद हुए और आपने हमारा अभी अभी मन से बता रहे थे ये दृश्य, ये सिविल लाइन का फाटक और ये दृश्य और ये सभा
आज लगभग 6 साल हो गए जब से जिम्मेदारी मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दी थी। राजस्थान के नागौर में बहुचर्चित डांगावास हत्याकांड मामले में इनामी आरोपी प्रवीण जाखड़ ने अपर जिला एवं सेशन न्यायालय मेड़ता में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि फरार 10 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं पिछले 4 दिनों से सीबीआई की ओर से बनाए गए दबाव के चलते पहले इनामी आरोपी प्रवीण जाखड़ ने अपर जिला एवं सेशन न्यायालय मेड़ता में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद एडीजे किशनलाल चौधरी ने आरोपी प्रवीण जाखड़ को जेल भेजने के आदेश दिए। बहुचर्चित डांगावास प्रकरण में जो सीबीआई ने 10 अभियुक्त फरार घोषित कर रखे थे जिन पर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित कर रखा था, उन अभियुक्त में से एक अभियुक्त प्रवीण जाखड़ ने आज अपर जिला विशेष न्यायाधीश मेड़ता की अदालत में सरेंडर किया, जिस पर श्री किशनलाल जी चौधरी ने उनको आज जेल पर भेजने के आदेश दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आत्मनिर्भर बनाओ का नारा लेकर एक युवती ने पूरे देश में भ्रमण करने का इरादा किया है, जिसके चलते नीतू चोपड़ा उदयपुर से कन्याकुमारी तक का सफर तय करेंगी। जहां जैसलमेर पहुंची नीतू चोपड़ा का जैसलमेर वासियों ने स्वागत किया और प्रशंसा पत्र देकर हौसला अफजाई भी की। आपको बता दें कि बाड़मेर के बालूतरा की रहने वाली नीतू चोपड़ा ने स्कूटी पर देश भर की यात्रा कर रही है, जिसकी शुरुआत उन्होंने उदयपुर से की है। महिला के नाते सबसे पहले तो कहूँगी मुझे नीतू चोपड़ा पे गर्व है। जहाँ आज भी बच्चियों को कि व्हीकल दें नहीं दें, बाहर निकालें नहीं निकालें, अभी भी वो चैलेंजेस चल रहे हैं, उसके बीच आपने जो कन्याकुमारी तक, राजस्थान से कन्याकुमारी तक जो यात्रा का एक निर्णय लिया है, ये हमारे महिला शक्ति के लिए भी प्रेरणा की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और ये जो राजस्थान की और विशेषकर भारत की जो महिला शक्ति और बच्चियों को एक नई प्रेरणा और एक नया संदेश देगी, और हम खुद ये वास्तव में ये प्रशंसा पत्र तो एक नाम मात्र है, इनके जो इनका इनकी एक मुहिम है वो वास्तव में साधुवाद के लायक है और ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट करेगी बच्चियों और महिला शक्ति के लिए। वहाँ जो ये नीतू है ये अपने जैसलमेर बाड़मेर से जो एक संदेश जाता है ये पूरे भारत वर्ष में एक बहुत अच्छा, और विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान में, कि जब पश्चिमी राजस्थान की बच्चियां जहां देखते हैं, क्योंकि आज भी जैसलमेर बाड़मेर बच्चे, अच्छा जैसलमेर में बच्चियों को पढ़ाते हैं क्या, ये दूसरी जगह ये एक मानसिकता है या कुछ कई प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तो नीतू हमारे जो एक एग्जाम्पल पश्चिमी राजस्थान की बेटियों के लिए पेश किया है। मैं बालोतरा से बिलोंग करती हूँ और बालोतरा में जो है, मैं जो घर पे हमेशा बोला जाता था कि जब कभी भी बाहर निकलना है तो छोटे भाई को साथ में लेके निकलना है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अखरा करती थी कि छोटा है तो वो मेरी क्या सेफ्टी कर लेगा, तो वो चीज़ हमेशा कहीं ना कहीं खटकती रहती थी दिमाग में, जो आज जो है ये इस अभियान के द्वारा निकली है। और मैं जो है उदयपुर से निकली थी राइड के लिए और मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अभियान में कन्वर्ट करें, तो लड़कियों घर से बाहर निकलो हमने एक अभियान प्रारूप तैयार किया। और उसके बाद में जो है उदयपुर से राइड के लिए निकले थे, उदयपुर से बालोतरा 300 किलोमीटर की राइड की, और उस राइड के बाद में फिर जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से होते हुए फिर जैसलमेर से तनोट, तनोट से लोंगेवाला से बैक तनोट एंड तनोट से जैसलमेर, अभी तक जो है 920 किलोमीटर की यात्रा हो गई है। और आगे पोखरण से जोधपुर, जोधपुर से अजमेर और अजमेर से होते हुए जयपुर जाने का अभी का ये है। और ये वार्म अप राइड है, इसके बाद में जो है ऑफिशियल राइड होगी वो बालोतरा से कन्याकुमारी के लिए होने वाली है, जो कि अराउंड 2600 किलोमीटर का रास्ता है। और इसके अंदर संदेश एक ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बोलते हैं हम लोग, लेकिन बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ भी इसमें ऐड होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक बेटियां आत्मनिर्भर नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होना है। तो जस्ट टू सपोर्ट फीमेल फ्रीडम दिस अभियान इज इनिशिएटेड बाय मी, और आई होप कि मुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा पब्लिक का और मैं अच्छा कर पाऊंगी, और इससे भारत की, हिंदुस्तान की और जो बेटियां हैं वो भी इंडिपेंडेंट बन पाएगी। और ये जो अभियान है इसमें मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है जगह जगह पे। इसके साथ में मैं एक और चीज़ कर रही हूँ कि जहाँ जहाँ पे मैं रुकती हूँ, स्टॉप लेती हूँ, वहाँ पे हम लोग जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाकर के एक इंट्रैक्शन सेशन भी करते हैं, तो वो यूथ इंट्रैक्शन प्रोग्राम होता है, वहाँ पे लड़की लड़के जो भी है, क्या चल रहा है देश में, उनकी क्या राय है, क्या समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, तो काफ़ी एडवेंचरस ये अभी अभियान चल रहा है।
चूरू के सुजानगढ़ में एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशों पर जिले भर में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सालासर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर सालासर से रतनगढ़ की ओर जा रही एक ट्रक का पीछा कर लाखों की शराब बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक जयपुर नंबर के ट्रक में हरियाणा निर्मित विभिन्न मार्कों की 695 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब को छुपाकर लेके जाया जा रहा था। वहीं बरामद की गई अवैध अंग्रेजी शराब की बाजारू कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। यहाँ के होटलों पे आपके गेस्ट को देख के रुक गया है, जिस पर मैंने उन्हें मजाते के रवाना हुआ तो सूचना मिली की साहब ट्रक है वो रवाना होके शोभा सर गाँव की तरफ रोड पे जा रहा है, जिसका मन उन्हें मजाते ने पीछा किया तो शोभा सर से निकलते ही कुड़ी के अंदर प्रवेश करते ही आगे ट्रक दिखाई दिया, जिस पर ट्रक के पास था के नंबर देखे तो RJ14JD81 थे। इतने में ट्रक का चालक ट्रक को रोड पे खड़ा करके भग गया। ट्रक को चेक किया गया तो ट्रक में विभिन्न ब्रांडों की हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 695 कार्टून पाए गए। अलवर के बहरोड इलाके में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया है। व्यापारियों का कहना है कि बदमाश व्यापारियों से पैसे की मांग करते हैं, वहीं पैसे नहीं देने पर परेशान करते हैं। घटना की सूचना पर बहरोड थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों को समझाया और कहा है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है और बदमाश को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी पुलिस के द्वारा कही गई है। भरतपुर के सरपंच संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सरपंचों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि दशकों से केंद्रीय वित्त आयोग की अनुदान राशि ग्राम पंचायतों के खाते में सीधी आती थी, लेकिन राज्य सरकार ने 14वीं वित्त आयोग की केंद्र सरकार से मिली राशि जो कि ग्राम पंचायतों के खाते में आनी थी वो राशि 1850 करोड़ पंचायत समिति के खातों में डाल दी गई है। वहीं इसको लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विकास अधिकारी ने पंचायत समिति की राशि ग्राम पंचायतों के खाते में डालने के आदेश दिए थे, लेकिन उन आदेशों की अवहेलना करते हुए आज तक राशि ग्राम पंचायतों के खाते में नहीं डाली गई। राशि जमा होनी थी, अब ये एक योजना बना रहे हैं कि 25% राशि देंगे, जबकि कोई 14वें वित्त आयोग की राशि जो ग्राम पंचायतों के खाते में सीधी 100% जारी की जाती है, उसी संदर्भ में आज हमने ये ज्ञापन दिया है कि 14 वित्त आयोग की जो राशि है 2 महीने पहले भारत सरकार ने राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दी और राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत खाते में जारी ट्रांसफर करनी थी, लेकिन इन्होंने कुंडी मारकर बैठ गई और पंचायत समिति के पीडी खाते में इन्होंने 1850 करोड़ की राशि राजस्थान में पंचायत समिति के खाते में ट्रांसफर की है और ग्राम पंचायत विकास ठप हो चुका है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत खाते में जारी करनी थी, अब हम मांग करते हैं, आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि पूरी राशि को ग्राम पंचायत खाते में ट्रांसफर किया जाए शीघ्र, जिससे कि ग्राम पंचायत राज के विकास कार्य शुरू हो सके। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के रिको एरिया में स्थित फैक्ट्री में 35 वर्षीय मजदूर की अंदर लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक मजदूर का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पुलिस ने मजदूर की शिनाख्त कर घटना से मृतक के परिजनों को अवगत करवाया है। आज सूचना मिली कि रिको एरिया में एक व्यक्ति जयपाल सब्जी ठाकुर निवासी गठान थाना से जिला आगरा का रिको एरिया जो काम करता था उसकी मृत्यु हो गई है, जो मोरसली धौलपुर में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराज परिजन आ गए हैं, जिसको पोस्टमार्टम कराया कर परिजनों को सौंपी गई। भाई साहब ये बात हो रही है कि जहाँ तक हमको ये मालूम पड़ रही है कि दूध पी के नहीं हो तुरंत हो दूध एक ही कारण ये बता रहे हैं कि खत्म होएगा वो हमको कुछ जानकारी ना जेल लाए के नहीं हॉस्पिटल में लेके आए जिन्होंने जानकारी नहीं हमन तो ये बताई गई है। दौसा में सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा गौडसे पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस के अग्रिम संगठनों ने रोष जताया है। इसको लेकर एनएसयूआई प्रदेश महासचिव हरिमोहन आजाद के नेतृत्व में भवानी जोपाड़ा सहित अनेकों कार्यकर्ताओं ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान की कड़ी निंदा की है और उनका पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने बताया कि संसद में प्रज्ञा ठाकुर का नाथूराम
गौडसे को देशभक्त बताने और गांधी जी पर टिप्पणी करना देश के महापुरुषों का अपमान है। साथ ही उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। सबको विदित है मालेगांव ब्लास्ट की जो आरोपी है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल से बीजेपी की सांसद है, जिस प्रकार से उन्होंने गांधी जी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताया है वो बहुत ही घृणित है, बहुत निंदनीय है। हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें चाहते हैं कि जिस प्रकार से उसको रक्षा समिति से सदस्य हटाया गया, इस प्रकार से उनकी जो संसदीय सदस्यता उसको खत्म किया जाए और उनको एक उनकी ऐसे लोगों की जगह लोकसभा में ना होकर के जेल में है। तो हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए और हम गांधी जी के सामने खड़े हैं। हम इस प्रकार की विचारधारा को हम कुचल देना चाहते हैं। हम किसी प्रकार से उनको जिंदा नहीं रहने दें किसी विचारधारा को और उनके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये पूरा देश जानता है कि वो एक आरोपी है और उनके ऊपर ट्रायल भी चल रहा है और उनको जेल में डालना चाहिए इस प्रकार का। और ये बीजेपी के पूरी जो उनकी जो कतनी करनी में अंतर बिल्कुल सामने आ गया है। उनके दिल में और मन के अंदर गोड़ से बसे हुए हैं और वो झूठा दिखाने के लिए गांधी जी के नाम का इस्तेमाल करते हैं। बीकानेर की कोटगेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर शातिर ठग गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 5 नवंबर को नापासर निवासी मूलाराम के साथ 1,75,00,000 की ठगी को अंजाम दिया था। इस मामले की जांच एसआई कन्हैयालाल कर रहे थे। जांच में पुलिस का आरोपियों का सुराग अहमदाबाद में होना पाया गया है, जिस पर पुलिस की एक टीम अहमदाबाद गई और वहां से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस कई बड़े खुलासे होने की आशंका जता रही है। आरोपियों से पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। बाड़मेर के सीमावर्ती कस्बे सेवड़ा में किसानों को जारी हो रहे विद्युत कनेक्शनों में लापरवाही को लेकर डिस्कॉम के खिलाफ भारतीय किसान संघ का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि यह धरना जिला मंत्री दयाराम थोरी और सेड़वा तहसील अध्यक्ष लाधुराम खिलेरी के नेतृत्व में शुरू किया गया है। वहीं तहसील अध्यक्ष लाधुराम खिलेरी ने सेड़वा तहसीलदार को 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया है कि डिस्कॉम के द्वारा किसानों को वरीयता अनुसार कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। डिस्कॉम के अधिकारी और कर्मचारियों की मनमर्जी के चलते बिना नंबर ही ट्रांसफॉर्मर जारी किए जा रहे हैं, जो सही नहीं है। रानीवाड़ा में कांग्रेस से 4 बार विधायक रहे किसान केसरी रत्नाराम चौधरी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि करीबन 90 वर्षीय चौधरी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। चौधरी के निधन की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण नेताओं और परिजनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दी। केसरी रत्नाराम चौधरी के निधन पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, सांसद देवजी पटेल, विधायक नारायण सिंह देवल समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के झुंझुनू में जीएसटी एंटी इवेजन टीम ने मूंगफली से भरे कुछ ट्रकों को पकड़ा है। आपको बता दें कि पकड़े गए ट्रकों के पुलिस को कोई कागजात नहीं मिले हैं। ये सभी ट्रक हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग कोनों से जाए जा रहे थे। वहीं उपायुक्त सुनील मील के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए राज्य कर अधिकारी राजकमल बिश्नोई ने बताया है कि दरअसल व्यापारियों ने कर चोरी का नया रास्ता ईजाद किया है, जिसके चलते किसान से मूंगफली खरीदने के बाद उसके खेत से ही सीधे व्यापारी माल बेच रहे हैं और गिरदावरी का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जीएसटी लागू होने के बाद गिरदावरी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन ट्रकों को कर चोरी के लिए संदिग्ध मानते हुए पकड़ा गया है। स्टेट टैक्स के निर्देशानुसार बीकानेर संभाग के संयुक्त आयुक्त की निगरानी में झुंझुनू जीएसटी एंटी इवेजन की विंग ने एक कार्रवाई करते हुए 5 गाड़ियां जिनमें मूंगफली दाना और मूंगफली भरी हुई थी, ये 2 नंबर में ले जाया जा रहा था, जिसके साथ किसी भी प्रकार का कोई बिल ईवे बिल या बिल्टी नहीं थी और
इसी के साथ एक बस को हमने इंटरसेप्ट किया था। राजस्थान के बीकानेर जिले में कोहरा जानलेवा होता जा रहा है। इसी कोहरे के चलते बीते दिनों शेरूड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई थी। वहीं आज फिर लूनकरणसर पुलिस थाना क्षेत्र के धीरेरा गांव के पास NH-62 पर ट्रक और पिकअप के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोगों का उपचार चल रहा है। बता रहे हैं लूनकरणसर हाईवे पर, और इसमें 5 लोगों की डेड बॉडीज यहां पहुंच चुकी हैं और 4 इंजर्ड हैं। इसमें एक रेड एरिया में है और बाकी स्टेबल हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि जो यहां पर आए हैं घायल उनको अच्छे से अच्छा इलाज दें। सभी ये जो वर्कर्स हैं ये मजदूर वर्ग के हैं और बाहर से आए हुए लोग काम कर रहे थे, सड़क पर जा रहे थे काम करने, तो बाहर के लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। अभी तो जो प्राइमर फेसिक पता चला है उसमें कोहरा बहुत ज्यादा था, कोहरे की वजह से, विजिबिलिटी की वजह से हुआ। दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में बिंदरवाड़ा गांव की एक महिला ने आपसी विवाद के चलते कीटनाशक पी लिया, जहां तबीयत बिगड़ने पर महिला के परिजनों ने जिला चिकित्सालय में उसको भर्ती कराया है। हालांकि फिलहाल महिला के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। बताया जा रहा है कि गृह क्लेश के चलते महिला ने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में इस सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। इलाके में बुधवार को हुई बारिश के बाद कोहरा किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा, तो वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर रखनी पड़ी है। वहीं कोहरे के साथ ही सर्दी का प्रभाव देखने को मिला है। धौलपुर में बीती रात हुई बारिश से सर्दी बढ़ गई है, जिससे लोगों की दिनचर्या काफी प्रभावित हुई है। तो वहीं किसानों के लिए बारिश मावट के रूप में देखी जा रही है। किसानों ने बताया है कि महंगाई का दौर चल रहा है, फसल की सिंचाई के लिए निजी ट्यूबवेलों द्वारा भारी खर्च उठाना पड़ता था, लेकिन सही समय पर बारिश होने की वजह से फसलों को फायदा हुआ है। बारिश बढ़िया रही, गेहूं के मतलब में, किसानों के मतलब में, सरसों के मतलब में, आलू के मतलब में, पशुन तो ठंडा लगाते हैं तो लगाती है पशुन की को बात। खबर जालौर के मंथुला कांबा से है, जहां मंथुला कांबा गांव में कृषि कुएं पर बिजली चोरी की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची विजिलेंस की टीम के साथ कुएं के मालिक हेड कांस्टेबल और उसके भतीजे ने मारपीट कर दी। ये सारा मामला विजिलेंस की टीम में शामिल एक कर्मचारी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। फिलहाल डिस्कॉम के कर्मचारियों ने जालौर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जिले के पुलिस अधिकारी अपने हेड कांस्टेबल को बचाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना को लेकर जब मीडिया ने पुलिस अधीक्षक से बात की तो SP साहब ने किसी मीडिया तक का फोन नहीं उठाया है। मामले में अब ये देखना है कि जालौर पुलिस के बड़े अधिकारी हेड कांस्टेबल मंगलाराम पर किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। जो हमारे राम सिंह के आईएन साहब की जो विजिलेंस की टीम गांव मुंगथला कावा में गए थे, तो वहां पे पुलिस में जो जालौर पुलिस लाइन में अभी हेड कांस्टेबल मंगलाराम है उसके द्वारा चोरी की जा रही थी, उसको समझा के उसकी कार्रवाई कर रहे थे, उसके बावजूद उसने हमारे आदमियों के साथ मारपीट की, आईएन साहब के कर्मचारियों के साथ, और गाड़ी के शीशे फोड़ के गाली गलौज भी की गई, जिसकी हमारे बिजली घर के सभी अधिकारी कर्मचारियों में भारी रोष है। और वो आज इकट्ठे भी हो रहे हैं, मेरे को भी मैसेज किया है उन्होंने, मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु वो लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई आज तो वो विद्युत सप्लाई को भी बाधित कर सकते हैं। महाराष्ट्र राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।